शाहरुख खान को हम लोगों ने रोमांस से एक्शन करते हुए तो देख लिया, अब समय रणबीर कपूर को इंसान से एनिमल बनते देखने का और ये नजारा हम लोगों की आंखों के सामने होगा। हमें पता है कि ये पिक्चर है, सब कुछ नकली है, मगर उसके बावजूद भी हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे। हम अडेप्ट कर लेंगे कि बंदा नहीं एक्चुअली में एनिमल है, क्योंकि भाई फिल्म और रियलिटी के बीच में जो बाउंड्री होती है ना, उसको मिटाने का जादू इस बंदे को आता है। संदीप रेड्डी इनकी डायरेक्शन में वो कमाल का जादू होता है कि सिनेमा को हम सिनेमा की जितना एंजॉय कर ही नहीं सकते, हम उसको हकीकत मान लेते हैं। भाई साहब इस बंदे विजन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कई दिन कबीर सिंह बोल तो नहीं गए, वो कारनामा भी इन्होंने ही किया था। और कबीर सिंह के अंदर हमसे मामूली झलक देखी थी कि एक्चुअली बंदे का विजन क्या है। पूरी पिक्चर भैया में एनिमल के अंदर देखने को मिलेंगी। जहाँ आज से 2-2.5 महीने पहले जब इसका मामूली से वीडियो लीक किया गया था एनिमल का, तो भाई मैं पागल हो गया था कि क्या ही बना दिया भाई साहब। पंजाबी म्यूजिक जिसके ऊपर हम ठुमके लगाते हैं भाई, उससे मेरे को डर लगने लगा था, क्योंकि जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया, जो मारकाट दिखाई गई, जो ब्रूटलिटी दिखाई गई, मैं पहले यकीन नहीं कर पाया कि एक्चुअली ये बॉलीवुड की पिक्चर है, क्योंकि इतना फार बॉलीवुड कभी जाने की सोच नहीं सकता। भाई इस बंदे का विजन ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और यही पे एक्चुअली हम देखना भी चाहते हैं। फुल्ली आर रेटेड, फुल्ली बैडेस्ट मूवी। और एक्शन में देखने को मिल भी कौन रहा है, रणवीर कपूर। और भाई साहब चाहिए भी क्या, मतलब एनिमल ना लिटरली बहुत ही भौकाल होने वाली है। इस मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा इसी महीने की 28 तारीख को, ट्रेलर आएगा उससे कुछ एक महीने के बाद में, और ऑफिशियली जो मूवी है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे इस साल के एंड में 1 दिसंबर को। मैं बता रहा हूँ भाई, 1 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में जो भी पिक्चर रिलीज होंगी वो लिटरली ट्रेन के सामने आके खड़े हो जाएंगी, क्योंकि एनिमल के सामने कोई भी बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि संदीप रेड्डी के अकेले कंधों के ऊपर या फिर रणवीर के अकेले कंधों के ऊपर ये पूरी पिक्चर टिकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो बाकी स्टार कास्ट है वो भी काफी अच्छी है। लीड रोल में भाई रश्मिका मंदाना है, तो समझ सकते हो कि सारा मामला एकदम सेट है। उसके अलावा विलन के रोल में बॉबी देओल नजर आने वाले, जिनके ऊपर हम इजिली बैट कर सकते हैं। उसके अलावा रणवीर सिंह के फादर का रोल प्ले करने वाले अनिल कपूर, भाई इनके ऊपर भी कोई डाउट नहीं, इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। मतलब ओवरऑल जो पूरी सपोर्टिंग एक्टर्स है, मेन एक्टर है और खासकर डायरेक्टर, भाई सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और जो प्रेजेंटेशन दी गई वो भी काफी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन इंतजार है खासकर इसके टीजर का, जो आने वाला 28 सितंबर को। तो डेट नोट कर लो, क्योंकि इस दिन के बाद में हर जगह इंटरनेट पे सिर्फ एक ही बात छिड़ रहेंगी कि कब आएगा एनिमल। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि 28 सितंबर की डेट को याद रखो, इस दिन आएगा टीजर और 1 दिसंबर जब आने वाली फाइनल पिक्चर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।